बताना चाहता हूँ कि आज का मेरा शेड्यूल है कि अब मैं नया टाइम टेबल डेली अपना प्रिपेयर करूँगा, पूरे मंडे होल डे का एक टाइम टेबल प्रिपेयर करूँगा और उसके बेस पर चलूँगा। वैसे तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन पंक्चुअलिटी होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में, तो इसलिए मैं अब डेली का डेली नया टाइम टेबल बनाता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप भी इस तरीके का टाइम टेबल यूज़ करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और किस तरीके से आपका टाइम टेबल होता है, थोड़ा किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करते हो, पूरे दिन का एवरेज कैसे निकालते हो पढ़ाई का, और क्या क्या आपको पूरे दिन में करना है कि आप उसे प्रॉपर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली मैंने ये अब न्यू अप्लाई किया है, नया तरीके से मैं इसको मैनेज करने जा रहा हूँ, अपने पूरे होल डे को, पूरे दिन के टाइम को कैसे मैनेज करना है, सब हर चीज़ को देने के लिए टाइम, जैसे कि पढ़ाई के और उससे अलग सारी एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करना है, वो सब मैंने अपने इस टाइम टेबल में सेट कर लिया है। देखो पूरे दिन का अगर टाइम सेट रहेगा, और अगर हम बाद में पूरे दिन के बाद जैसे रात को अगर हम अपने दिन का अगर एवरेज की बात करते हैं, क्या हमारा दिन का एवरेज आया या नहीं आया, क्या हमारी प्रॉपर स्टडी हो पाई है या नहीं हो पाई है, तो उससे उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने मॉर्निंग में स्टडी टाइम को सेट कर लिया कि अगर मैं मॉर्निंग में स्टडी करूँगा और बाई चांस मेरा होल डे में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है, बाई चांस किसी वजह से कि ऊपर नीचे भी हो जाए तो उसका इफेक्ट हमारी स्टडी पर ना पड़े, इसलिए मैंने अपना मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद सीधा स्टडी को सेट किया है लगभग 10 बजे तक, और उसके बाद ही अदर वर्क के लिए जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। देखो मजबूरी में तो अगर जाना पड़ जाए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं इस टाइम को अपने को सेट रखूँ स्टडी के लिए। अगर आप इस तरीके का शेड्यूल यूज़ करते हैं, टाइम टेबल यूज़ करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या मेरा ये प्लान सही है, ये भी आप बता सकते हैं, क्लियर। क्योंकि अगर हमारे पास जैसे पूरे दिन में प्रेशर आता है कि आज तो यार हमने कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने अपना मॉर्निंग में पढ़ाई का टाइम बिल्कुल सेट कर लिया है, अर्ली मॉर्निंग में उठना और उसके बाद उठने के बाद फ्रेश होना और उसके बाद स्टडी का टाइम टेबल बिल्कुल सेट है, उसके बाद हमारा खाना पीना नहाना सभी बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। और अब बात आती है फ़ोन की, अब फ़ोन को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसे अलग रखूँ। वैसे भी देखो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने एडिक्टेड हैं किसी के फ़ोन के या किसी अदर चीज़ के, तो कोशिश करें कि अवॉइड करें फ़ोन को स्टडी टाइम पर, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रक्शन इससे होते रहते हैं। बेसिकली बुक्स का यूज़ करें, और अभी तो हमारे पास फिलहाल बुक पढ़ने के लिए है, जब मेरे फ़ोन से पढ़ना होगा मैं फ़ोन से पढ़ाई करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं फ़ोन का कम यूज़ करूँ। क्योंकि यार एक्चुअल में होता है कि अगर आप कोई भी एक सोशल मीडिया ऐप खोल लेते हो तो उसमें आपका लगभग 30 से 40 मिनट तो चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, और 30 से 40 मिनट अगर हम स्टडी के लिए बैठते हैं तो ऐसा लगता है कितना देर हो गया। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम अवॉइड करें फ़ोन को, मतलब फ़ोन को अवॉइड किस तरीके से करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करने लगे हैं या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ और अदर चीज़ें फ़ोन में कर रहे हैं, देन स्टडी, तो उसे अवॉइड करें, क्योंकि टाइम सेव करेंगे तो तभी आपका एवरेज आएगा पूरे दिन का। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हम 6 से 7 घंटे की एक एवरेज टाइम होता है स्टडी का, अगर 6 से 7 घंटे आपका एवरेज टाइम स्टडी का नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट जरूर हो रहा है। तो कमेंट में जरूर बताएं कैसा रहेगा मेरा टाइम टेबल। थैंक यू सो